है जो आज हिंदी को जनभाषा बनाने की चुनौतियां पर एक वर्चुअल हम जो एक वेबिनार कर रहे हैं उसमें एज एनसीटी राजभाषा उप सचिव के रूप में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का आभार है इसमें। और इसमें हमारे मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आज हमारे प्रमुख वक्ता दो हैं, जो डॉक्टर राघवेंद्र प्रपन्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महर्षि वाल्मीकि कॉलेज एजुकेशन जो दिल्ली विश्वविद्यालय से वो संबद्ध हैं। दूसरे हमारे डॉक्टर रजनी अनुरागी प्रोफेसर हैं, वो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से हैं। और इस विषय को आज हमारे जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं हमसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद उनके सभी जो संस्थापक हैं प्राचार्य हैं जो कि उनके प्रतिनिधि हैं उनको संबोधित करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रपन्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर जी उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर राघवेंद्र प्रपन्न जी आपका आपका आभार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो मौका दिया है एनसीटीई ने उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कई वरिष्ठ बंधु हमारे यहाँ के मंच पर मौजूद हैं, सबको नमस्कार करता हूँ। आज का जो विषय है हिंदी को जनभाषा बनाने की चुनौतियाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक। तो उसका मैं एक पहले परिपथ बताऊंगा कि मेरे ये जो व्याख्यान है उसका परिपथ क्या होगा। इसको मैंने दो भागों में इस परिपथ को देखा है। एक तो ये है कि विमर्श का ऐतिहासिक संदर्भ क्या, और दूसरा शिक्षा शास्त्रीय विमर्श क्या। इन दो विमर्शों के बीच में ये चुनौतियों को हम कैसे एड्रेस करें और कैसे देखें और कैसे पहचानें, उसकी पहचान कैसे करें हिंदी को जनभाषा बनाने के संदर्भ में। पहले वाला जो भाग है विमर्श का ऐतिहासिक संदर्भ, उसमें मैं संक्षिप्त होऊंगा, तेजी से गाड़ी दौड़ाऊंगा। और दूसरा शिक्षा शास्त्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जिस संस्था जिस मंच से बोल रहा हूँ वो भी शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई संस्था है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट और वो हस्तक्षेप की एक महत्वपूर्ण पहलकदमी है, इसलिए वो हिस्सा मेरा ज्यादा विस्तार से होगा। ये परिपथ है। तो चुनौतियों का संदर्भ पहचानने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि इतिहास में जो 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 यात्रा है हिंदी को यहाँ तक पहुँचने की, जो यात्रा है उसमें इतिहास ने किन पड़ावों पर जूझ कर और टकराकर हिंदी अपने आप को विकसित करती आई है और फैलाती आई है। उसको अगर एक तरह से देखें तो उसका हिंदी का संवेदना का जो क्षेत्र है, संवेदना के क्षेत्र के जो लोग हैं और उसकी चिंता के जो क्षेत्र के लोग हैं, वह संकुचित था या विस्तारित था, और संकुचित था तो कैसे विस्तारित हुआ कि उसने अपने आप को फैलाया। आप अगर देखें तो इसको कई भागों, दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो यह है विषयगत चिंता का क्षेत्र। आप देखेंगे कि एक समय में जब हिंदी के चिंता के क्षेत्र में बड़ा वह वर्ग आने लगा जो समाज में उपेक्षित था और वंचित था, जब उनके जनजीवन की बातें, उनकी चिंताएं, उनके प्रति संवेदना जगने लग गई तो हिंदी का विस्तार हुआ। और आप देख सकते हैं, आप हिंदी के विमर्शकार अच्छी तरह से जानते हैं कि ठाकुर का कुआं और हरिया कुंड का जो कविता है सरस्वती में जो पब्लिश हुआ था, उसका एक अपना उसने विस्तार दिया, संवेदना के क्षेत्र का विस्तार किया। और बाद में इसकी परंपरा प्रेमचंद से और धूमिल से और बहुत सारे लोगों से ये परंपरा विकसित हुई। तो हिंदी के विस्तार क्षेत्र का एक जो वजह रहा कि संवेदना के क्षेत्र का विस्तार किया और अपनी चिंता के क्षेत्र में उसका लोकतांत्रिक परिसर जितना विस्तृत हुआ और हिंदी उतनी पहुंचती आगे चली गई। अब देखेंगे कि उस चिंता के क्षेत्र में
इधर के लेखन में आप देखेंगे तो वो जो दो जेंडर के अलावा जिनकी मान्यता नहीं थी पर थर्ड जेंडर भी अब इसके मान्यता में आ गई। और आप देखेंगे कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक अब नए तरह के जो है वो ट्रांस जेंडर को भी मान्यता दी जा रही है जो कि ये शब्द पहले नहीं आया। तो अगर हिंदी का परिक्षेत्र इस तरह से विकसित होता है और हम अपने पढ़ने पढ़ाने में उसकी चिंता के क्षेत्र और उसके परिसर का विस्तार करते हैं, उसकी संवेदना का विस्तार करते हैं, तो जितना ज़्यादा हिंदी अपनी चिंताओं में उन लोगों को शामिल करता जाएगा जो कि समाज में हाशिए पर हैं, तो हिंदी की पहुंच बढ़ती चली जाएगी। यह एक चुनौती का सामना करना है जो कि नए उभर कर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दलित साहित्य ने हिंदी को विस्तारित किया, हिंदी की पहुंच को बनाया और बहुत सारा दलित आत्मकथाओं का संसार आया जो कि केवल एक समय में अनुवाद के रूप में बहुत सारा आया था, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचनाओं और दूसरे तुलसीराम जी की रचनाओं से इसका विस्तार होता चला गया। तो एक मामला है सर आपका माइक बंद हो गया है सर, माइक म्यूट हो गया। कहाँ अब ठीक है? ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। तो संवेदना के क्षेत्र का विस्तार होना और लोकतांत्रिक होना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की चिंताओं में शामिल करना, यह एक चुनौती है। और जैसे हम इस चुनौती को पहचानते जाएंगे, हिंदी की एक दिक्कत ये है, अगर स्कूल के हिंदी को आप अगर देखें तो जो हिंदी के जो साहित्य के इतिहास में शामिल है उन्हीं तक को पाठ्य पुस्तक में वो हिस्सा बन पाते हैं, और जो नई समकालीनता है 60-70-80 के दशक में जाकर 90 के दशक में जाकर किताब रुक जाती है क्योंकि वह देखती है कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तो जो ये डिपेंडेंसी है उसको तोड़ना होगा और हमें इसके क्षेत्र का विस्तार होगा। दूसरा आप देखेंगे कि विधागत मामला है, जब तुकांत की स्थिति थी तो हिंदी की पहुंच का मामला कुछ और था, लेखन का मामला कुछ और था, लेकिन जब अतुकांत कविताएं आ गईं तो उसका अचानक रेंज बढ़ गया और उसकी पहुंच बढ़ती चली गई। इसलिए विधाओं के संबंध में हम हिंदी को जब तक जितना खुला रहेगा, विविध विधाएं आप देखेंगे कि अंग्रेजी का विपुल संसार है, इवन यहाँ तक कि आप देखेंगे कि रेलवे लाइन जो बिछ रही है उस, और जो जंगल के साथ इनकाउंटर हो रहा है, जो शेर के साथ इनकाउंटर हुआ उस पर भी साहित्य है, बिजली के तार उत्तराखंड में कैसे बने उस पर भी साहित्य है। तो वो केवल कथा और कविता का साहित्य नहीं है। तो हिंदी के जो ये रूढ़ी है हिंदी के संबंध में उसको भी तोड़ने का मामला है कि हिंदी कथा और कविता का संसार नहीं है बल्कि यह संपूर्ण जीवन का संसार है। अगर हम इसे नहीं करते हैं, अगर संपूर्णता का ख्याल नहीं रखते हैं कि जिंदगी एक एक संपूर्ण है और जिंदगी में सब कुछ भी होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, असफलताएं होती हैं, जिंदगी में आधुनिकीकरण होता है, जिंदगी में प्रौद्योगिकी का प्रवेश होता है, प्रौद्योगिकी के साथ प्रवेश से जिंदगी में लॉकडाउन होता है और हम पारंपरिक शिक्षण से ई लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, उसके जद्दोजहद से बढ़ते हैं, इसके एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो अगर ये सारे एक्सपीरियंसेस हिंदी का हिस्सा नहीं बनेगा तो हिंदी की आमतौर पर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि हिंदी का लेखक वो करेगा जो हिंदी का लेखक होगा। विज्ञान के शिक्षक समझते हैं कि विज्ञान विषयों पर जो मैं देख रहा हूँ उस पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं किसी हिंदी वाले की मदद चला जाएगा। तो ये जो रूढ़ी है कि विज्ञान का शिक्षक ये समझता है कि यह काम तो हिंदी भाषा में प्रशिक्षित सो तथा कथित भाषा विद ही कर पाएंगे, ये रूढ़ी को तोड़ना है। पढ़ता चाहेगा उसकी पहुंच आता हूं मैं दूसरे पार्ट पर जो कि उसका शिक्षण शास्त्रीय पक्ष है क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य का है। और शिक्षण क्या है कि 21वीं सदी के संबंध में
शिक्षा का जो विमर्श क्या है उसको पहचानना। आप देखते हैं कि एक जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है हम उसके बारे में ऐसा बर्ताव करने लगते हैं जैसा कि वह अभी है और भाषा लेकर नहीं आ रहा है, जबकि वो परिवेश चॉम्स्की नॉम चॉम्स जैसे विद्वान कहते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह एक वैश्विक ग्रामर लेकर पैदा होता है, वह एक वैश्विक भाषा का पैटर्न लेकर पैदा होता है। और अगर आप इसकी इज्जत करें तो आप उसको अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने लैंग्वेज में सीखने दें और उससे वो स्ट्रक्चर जो है जो कि वो वैश्विक व्याकरण का जो स्ट्रक्चर है जो संरचनाएं हैं वह जो लेकर पैदा आता है उसकी खूबियों को वो आगे निखारेगा। इसलिए जो बच्चा बोलता है जो कहता है जो लिखता है उसको पर्याप्त इज्जत दें, न कि यह समझें कि यह शून्य से शुरू हो रहा है। इसलिए उसको केवल अपनी आप जो शिक्षक की भाषा है या स्कूली जो हिंदी है उसमें आपको केवल उनको प्रवेश दिलाना है, इस मान्यता से बाहर निकलना है और बच्चों द्वारा बरती जाने वाली भाषा को मान्यता देते हुए उसमें आपको यह देखना है कि उसमें त्वरा कैसे दी जा सकेगी, समृद्धि कैसे दी जा सकेगी। आम तौर पर भाषा को पहुंचाने का देखते हैं कि हिंदी के संबंध में कक्षाएं कम होती जा रही, लिखने की पढ़ने की सुनकर समझने की दक्षताएं कम हो रही हैं। लगातार अध्ययन ये बता रहे हैं कि हिंदी प्रदेश में स्वयं हिंदी माध्यम के स्कूलों में स्वयं हिंदी की दक्षताएं कम होती जा रही हैं, पढ़ने की लिखने की पढ़कर समझने की और अपने को अभिव्यक्त करने की ये होती जा रही हैं। तो इसमें संदर्भ में क्या है कि आप यह देखें कि आप पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाएं और केवल भाषा की घंटी को जैसे हिंदी की अध्यापन की घंटी ना समझें, बल्कि यह समझें कि हर विषय का अध्ययन एक तरह से भाषा शिक्षा का अध्ययन है। यह शिक्षक को के संबंध में अगर यह संवाद हो जाए कि देख रहे हैं कि विज्ञान के बहुत सारी चीजें हमारे हिंदी भाषा की समृद्धि में शामिल हैं, जैसे कि त्वरा एक्सेलेरेशन का रूप एक्सेलरेट करने का है और वह जानते हैं कि यह भौतिकी शास्त्र से आया है, जैसे कि अवस्थिति नाम का शब्द फिजिकल साइंस का शब्द है जो डिस्पोजिशन से निकल कर आ रहा है, तारों और ग्रह नक्षत्रों के परस्पर पोजिशनिंग की वजह से निकल रहा है और वो हिंदी में इस्तेमाल होता है। तो कहने जैसे का जड़त्व गति का जड़त्व एक नियम है। तो बच्चा केवल और केवल हिंदी की क्लास में भाषा नहीं सीख रहा है बल्कि हर विषय में उस विषय की भाषा सीख रहा है और अगर वो हिंदी से जुदा करके उसको पृथकीकरण न किया जाए उसको संपूर्णता में लिया जाए और पृथक करके एक विच्छिन्न तरह से न समझा जाए कि एक घंटी खत्म हुई एक विषय की तो अब दूसरी घंटी शुरू हुई और हिंदी का जो 50 मिनट का जो समयावधि है वही केवल हिंदी का शिक्षण है, तो हिंदी की पहुंच को बढ़ाया जा सकता है समझ और उसका विस्तार किया जा सकता है। तीसरी और इसमें शिक्षा शास्त्रीय बात में ये है कि आप देखें बच्चों का संसार हमारे अगर आप देखें कि बच्चों के पत्रिकाएं कितनी निकल रही हैं और उन पत्रिकाओं का चरित्र क्या है, उसका भाषिक जगत क्या है, वह कहानी होती हैं और कविताएं होती हैं और कभी कभार किसी पन्ने पर आनुषंगिक रूप से कोई चुटकुले होते हैं लेकिन और कभी कभार किसी का पत्र शामिल होता है, लेकिन इसमें दुनिया में जो बच्चों के और विषय शामिल हैं जैसे खिलौनों में आता हुआ परिवर्तन, खिलौनों में कैसे परिवर्तन आता गया इस पर कभी बात नहीं होती जो कि वो इंगेजिंग है और बच्चा देख रहा है कि खिलौनों में आते खेल खिलौनों में आ रहे परिवर्तन कैसे अब
बच्चा मिट्टी के चीज से अलग होकर, प्लास्टिक के चीज से भी अलग होकर अब वर्चुअल दुनिया का खिलाड़ी बन रहा है, तो यह बच्चों के दुनिया में आने वाले परिवर्तनों के, बच्चों के खिलौनों के आने वाले जीवन में परिवर्तनों को संबोध्य क्षेत्र से बाहर है। किताबें भी लगभग संबोध्य क्षेत्र से बाहर हैं, तो वह कम इंगेजिंग है, कम इनरिच है। और अगर आप देखें वस्त्रों के दुनिया में आया हुआ परिवर्तन, इस तरह से एक लंबी लिस्ट हो सकती है जिससे आप कह सकते हैं कि ये भाषा की समृद्धि को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थियों को इंगेज नहीं कर पाते, विद्यार्थियों की संलग्नता नहीं रख पाते, और संलग्नता नहीं रहने से, रुचि नहीं रहने से उसका पढ़ने का मन नहीं होता है। भाषा के समय में आप देखें कि एक समय में था कि ऐसी कविताएं हमारे समय में थी जो जुबान पर थी, आज भी लोगों के जुबान पर है, क्योंकि वह पठनीय थी। जैसे कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, क्या साइंस का विद्यार्थी, क्या भौतिकी शास्त्र का, क्या जीव विज्ञान का, हर विद्यार्थी उसको ये करता। एक अलग पहलू इसका तकनीकी पहलू है। आप देखें कि एक शब्द का अर्थ मैं जानना चाहूँ अंग्रेजी के शब्द का, तो बहुत, जैसे ही मैं गूगल पर टाइप करता हूँ बहुत सारी डिक्शनरी आ जाते हैं, और वो डिक्शनरी संदर्भ सहित, वाक्य की रचना सहित उसके अर्थ बताते हैं, और उसके शृण्य साहित्य में और समकालीन साहित्य में उसका प्रयोग क्या हुआ है वहां तक बताते हैं, लेखक का नाम तक बताते हैं, किसने इस शब्द के साथ कैसे प्रयोग किया, तो वो आपके हाथ में आता है, वो आपके पकड़ में वो शब्द आता है। हिंदी में अगर आप देखें तो बहुत कम आपको ऐसे शब्दकोश दिखाई देंगे जो कि इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समृद्ध हैं, कि जो शृण्य ग्रंथों द्वारा, समकालीन लेखकों के द्वारा उन शब्द को प्रयोग करके उनको, बच्चों को, विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को छुआ देते हैं, छुला देते हैं, और यह देखते हैं कि कैसे उन पर भाषा पर उनका अधिकार होता जाए। आप देखेंगे हिंदी की बहुत सारी किताबों का आप देखेंगे पीछे जो कि टर्मिनोलॉजी दिया हुआ होता है, जो कि पारिभाषिक शब्दावलियां दी होती हैं, उसके अगेंस्ट में पेज नंबर दिया होता है कि आपको विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावलियां खोजनी हैं तो आप फला फला पेज पर उसको रेफरेंस जाकर आप देख सकते हैं। आप बहुत सारी हिंदी की किताबों में अभी भी यह संस्कृति से बहुत दूर है। और जो मैं चूंकि 5 मिनट